इंजीनियर्स, क्या आपको पता है 1 लाख की शेप क्या है, 2 लाख क्या है, 3 लाख क्या है, 4 लाख क्या है, 5 लाख क्या है, 6 लाख क्या है, 7 लाख क्या है, या फिर 8 लाख क्या है, या फिर जितने भी लेग ऑफ शेप्स हैं वो क्या होते हैं? कहीं इसको रिप्रेजेंट कर दें सिंपल 1L से और उसके बाद उसके रेनफोर्समेंट बता दें तो आप कैसे समझोगे? आज के वीडियो में ये पूरा डिटेल में जानते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं सुदीप कुमार अग्रवाल, कॉर्पोरेट ट्रेनर, और आप सभी के लिए सिविल गुरुजी आज बात करने वाले जितने भी लैक ऑफ शेप्स हो या फिर बोलूं कि जो भी ड्राइंग में दिया है उसको कैसे समझे, उसका रिप्रेजेंटेशन कहीं दिया है तो उसको मैं समझूं क्या कि वो किस तरह के बाने, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये वीडियो है। साथ ही साथ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊंगा कि स्टीरअप्स में 1 लेग 2 लेग कब यूज़ करते हैं, कौन सा कंडीशन कब यूज़ करते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग कवर करेंगे। अब बात करूँगा आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो हो जाएगा कि ड्राइंग में आइडेंटिफाई करना कि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि कितने लेग है, 1 लेग है, 2 लेग है, 3 लेग है, 7 लेग है, कैसे मैं आइडेंटिफाई करूँ, इसको आइडेंटिफाई करना। और दूसरी चीज़, कहीं ड्राइंग में लिखा हुआ है 3L तो उसको मैं क्या समझूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है कि ये आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं 1 लेग का। 1 लेग आपको साइट में कभी भी जनरली नहीं मिलने वाला, ये टी शेप बीम में जनरली यूज होता है और वो भी अपन लोग यूज नहीं करते क्योंकि कभी भी आपको पता है बीम में रेनफोर्समेंट कितना रख लेते हैं अपन लोग, मिनिमम 4, तो 1 लेग से काम बनने वाला नहीं है। अब उसके बाद आ जाते हैं जो सबसे कॉमन है 2 लेग। अब ये तो आपने साइट में देखा ही होगा, परंतु इसके भी 2 कंडीशन है, एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज। इसको बोलते हैं ओपन स्ट्रिप, ये भी अपन लोग को साइट में जनरली यूज़ नहीं होता, परंतु टेक्निकल टर्म्स अपन लोग को पता होना चाहिए। कहीं कोई पूछे कि ओपन स्ट्रिप क्या होता है, तो ओपन स्ट्रिप ये हुआ जहाँ पर वो क्लोज नहीं हुआ तो ये ओपन स्ट्रिप हो गया, और इस तरफ ये क्लोज हो गया तो इसको बोल दिया क्लोज स्ट्रिप। परंतु ये दोनों ही 2 लेग है। अब ये लेग कैसे डिफाइन हो रहे हैं, ये जो डंडी दिख रही है ना, ये हो गया फर्स्ट लेग, ये हो गया सेकंड लेग। सिमिलरली 1 लेग सेकंड लेग जो अपन लोग की पैरेलल साइट है, इसको समझने के लिए अपन लोग और भी एग्जांपल देखते हैं तो और आसानी से समझ में आएगा। अब कभी भी 4 रेनफोर्समेंट है तो उसमें आपको पता ही है कितने लेग लगने वाले, 2 लेग मिनिमम लगने ही वाले, ये मिनिमम की बात है। अब आगे चलते चलते और एग्जांपल देखेंगे और ये लेग कैसे डिफाइन होता है ये नेक्स्ट के वीडियो में देखेंगे कि कहां पर कितने लेग होने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं 3 लेग। 3 लेग स्टेप जनरली आपका चालू होगा 6 रेनफोर्समेंट मेन बार के, 1 2 3 4 5 6 जहाँ रेनफोर्समेंट आया उसमें मिनिममली 3 लेग या 4 लेग आपका यूज़ होगा। अभी अपन लोग 3 लेग लगाते हैं। अब 3 लेग लगाने हैं तो क्या हो रहा है, सबसे पहले इसकी लेग कैसे डिफाइन हो रही है, एक अपना 2 लेग बार से बना है। अब 2 लेग बार कैसे हुआ, 1 यहाँ, सेकेंड यहाँ, अब थर्ड क्या है, आपका जो रिंग है ये थर्ड, तो इससे मिल के बना 3 लेग स्टिरअप। वैसे देखते हैं 4 लेग स्टिरअप क्या होता है, 4 लेग स्टिरअप आपका 6 मेन रेनफोर्समेंट से ये चालू हो जाता है, परंतु 8 मेन रेनफोर्समेंट भी यूज़ कर सकते हैं, उसको अपन लोग आगे के केसेस में देखेंगे। अभी देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ, अब ये 4 लेग कैसे बना उसको देखते हैं। फर्स्ट लेग, सेकेंड लेग, थर्ड और ये 4 लेग, तो इस हिसाब से 4 लेग बने। अब बात कर लेते हैं 5 लेग स्टिरअप। 5 लेग स्टिरअप जनरली यूज़ होता है अपने 10 रेनफोर्समेंट के केस में, जहाँ पर 10 मेन रेनफोर्समेंट हो। अब इसमें जो जो रेनफोर्समेंट है उसको नीचे ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ कर लिए। अब इसके बाद इसमें गिनते हैं क्या क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। यहां पर भी एक बार देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 5 लेग, तो इस हिसाब से डिफाइन हुआ ये 5 लेग। तो कभी भी आपको ड्राइंग में 5L, अब इसके बाद जो भी रेनफोर्समेंट की डिटेल है वो दी रहेगी, तो ये 5L क्या इंडिकेट कर रहा है, आपका 5 लेग है। वैसे कहीं 4L रहेगा तो 4 लेग इंडिकेट करेगा। इसी तरह से अलग अलग वर्ड्स लिखे रहेंगे, आपको पहला वाला नंबर इंडिकेट कर रहा है कितनी बार है, लेग्ड मतलब अभी अपन लोग जैसे काम कर रहे हैं उसको लेग्ड बोल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं 6 लेग की। अब 6 लेग में क्या हो रहा है, 6 लेग में भी अपन लोग ने कितने रेनफोर्समेंट यूज़ किए, अभी सिर्फ 8 रेनफोर्समेंट नहीं 6 लेग लगा दिया, अब इसमें ऐसा कैसा हो रहा है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा, 6 लेग हो गए, इसके कारण ये 6 लेग हो। परंतु आप लोग को एक डाउट तो आ ही रहा होगा कि सर हर बार तो ये ऐसी सिंपल तो नहीं दे देगा, अपन लोग के वर्टिकल फेस में भी होता है, यहाँ पर तो आपका एक फेस में दिख रहा है तो आप आसानी से काउंट कर दें, चलो भाई दूसरे फेस का भी बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका इस तरह से रहेगा। अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सबसे पहले इसको स्प्लिट कर लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें, एक पहला ऊपर वाला ठीक है, एक उसके नीचे वाला ब्लू जो दिख रहा है और एक बीच में। अब इसमें डिफाइन कर लेते हैं फर्स्ट लेग कौन सा है, मतलब कितने लेग हैं उसको गिनते कैसे, मेरी आदत है जो बड़ा साइड है ना उसको गिन लेता हूँ। अब जैसे यहाँ पर आप इसको भी गिन सकते हैं, 1 2 3 4, 4 लेग हो गए, और ये 5 और ये 6,
अब इसको छोड़ के और दूसरा वे भी है, जैसे अब मैं यहां पर मार्क करता हूं 1 2 3 4 5 6। अब यहां पर क्या हो गया, मैंने एक फ्रेम का दूसरे तरफ से नाप लिया, परंतु ये ध्यान रखना एक फ्रेम को डबल नहीं नापना है। एक कोई भी क्लोज लूप है तो उसके सिर्फ दो ही लेग होंगे, उससे ज्यादा लेग नहीं होंगे, ये हरदम ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पर इस हिसाब से 6 लेग निकल गए। अब 7 लेग को देख लेते हैं, 7 लेग स्टिरअप्स क्या होते हैं। अब 7 लेग स्टिरअप्स के लिए मुझे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, होपफुली आप लोग भी आसानी से कर पा रहे होंगे। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7 ये 7 लेग स्टिरअप्स हैं, परंतु 7 लेग स्टिरअप खुद में नहीं है, कंबाइन होकर बना है। एक आपका 2 लेग, दूसरा 2 लेग और तीसरा 2 लेग और एक पिन सपोर्ट, इन तीनों के हेल्प से बना। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7 इस तरह से 7 बना। तो होपफुली अब इसके बाद कितने भी लेग आ जाएं आप कैलकुलेट कर पाओगे, आपको आइडेंटिफाई होगा कि ड्राइंग में कहीं 8 लेग बोला है तो 8 लेग का मतलब क्या है, 7 लेग बोला तो 7 लेग का मतलब क्या है। अब इसका अरेंजमेंट कैसे होता है, क्यों होता है, कहीं वो जानना है तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, कहीं आप लोग को इंटरेस्टेड रहेगा तब। अब जैसे यहां पर बात कर लेते हैं 8 लेग स्टेप्स की, 8 लेग स्टेप मोस्ट प्रोबेबली आप लोग को सॉल्व करते बन गया होगा, नहीं बना होगा तो एक बार और देख लेते हैं। इसके बाद के और स्टेप नहीं बोल रहा हूं, हो सकता है वो 12 हो या 20 लेग हो, वो डिपेंड करता है आपकी ड्राइंग पे। अब वो जितने होने उतने हो सकते हैं, अपन लोग अब आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ड्राइंग को पढ़ के बता सकते हैं कि कितने लेग्ड हैं, कहीं लेग्ड बोला तो उस हिसाब से बना सकते हैं। अब एक और चीज़ ध्यान रखना कि ओपन और क्लोज, अब जितने आपके सिंगल वाले हैं, अब मैं एक बार पुरानी ड्राइंग में आया हूँ 5 लेग का देख रहा हूँ, तो ये दोनों क्या है, क्लोज है, ये ओपन लेग्ड है, ये ध्यान रखना। अलग अलग चीज़ होती है, क्लोज लेग और ओपन लेग बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन लोग ये चीज़ सबसे पहले 2 लेग में देखे थे, एक ओपन भी देखे थे, क्लोज भी देखे थे, वो दोनों को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकतर ड्राइंग में मेंशन रहेगा कि आप ओपन लेग यूज़ कर रहे हैं कि क्लोज लेग यूज़ कर रहे हैं, कहीं मेंशन नहीं है तो इस तरह से पूरी ड्राइंग में आपको फिगर दिया जाएगा कि किस तरीके का आपको स्टेप यूज़ करना है। अब वापस बात कर लेते हैं 8 लेग की, गिनते हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8। कभी भी इस तरह से आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा तो स्प्लिट कर लेना। आपका ये क्या हो गया, 2 लेग के लिए पूरा रेड, ये ब्लू, फिर 2 लेग, ये 2 लेग, ये 2 लेग, तो टोटल 4 लेग हो गए। तो किसी भी तरह से करो, परंतु समझ में आ जाना चाहिए कि 4 लेग्ड है, 8 लेग्ड है, 7 लेग्ड है, और कभी भी ऑड नंबर ऑफ लेग्ड हुए तो मतलब उसका क्लियर है कि आपका पिन सपोर्ट यूज़ हो रहा होगा, पिन हुक यूज़ हो रहा होगा। अब कहीं आपके में ड्राइंग में ओपन लेग्ड मेंशन है, ओपन लेग कहीं 2 वे के लिए मेंशन है, 2 लेग के लिए, तो वो क्या होगा, पहली ड्राइंग जैसे दिखाया था उस तरह से होगा कि वो ओपन है। तो अब अपन लोग पूरे वीडियोस में बात कर लिए हैं अलग अलग लेग के बारे में, अब ये लेग की कंडीशन कहाँ है, ये कहाँ मेंशन है, IS कोड में उतने अच्छे से मेंशन नहीं है कि 1 लेग का है, 2 लेग का है, 3 लेग का है। अब ये 1 लेग स्टिरअप्स है, उसके लिए अपन लोग ने ACI की हेल्प लिया, उसका भी आपको क्लॉज और फोटो यहाँ पर दिखा दूंगा कि किस तरीके से दिख रहा है। अब इसके बारे में पूरा और डिटेल लेना है तो मैं ब्लॉग में भी डाल दूंगा, कहीं ब्लॉग आज नहीं डाला होगा तो 2-3 दिन में डल जाएगा, आप सिविल गुरुजी के वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हो इसके बारे में पूरा डिटेल, जौन से IS कोड में रहेगा, IS कोड में नहीं दिया है उसके कारण अपन लोग ACI का हेल्प लिए हैं, तो ACI के कौन से कोडल में दिया है वो पूरा डिटेल आप लोग के लिए मिल जाएगा। अब साथ ही साथ आप लोग को कुछ दिक्कत आ रही है साइट में तो वो भी आप बता सकते हैं, जिससे आप लोग और अच्छा आप लोग के लिए कंटेंट ला सकें। तो इसी तरह से आपको और वीडियो चाहिए तो क्या करना रहेगा, आपको पता है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए सिविल गुरु जी के साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरु जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।